कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया के राजनीतिक जीवन में पदार्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य जयंती समारोह व नई राजनीतिक पार्टी के गठन के औपचारिक ऐलान के लिए होने वाले सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद व राजा भैया व करीबी अक्षय प्रताप सिंह लगातार जनपदों का दौरा कर रहे हैं। कौशाम्बी दौरे पर पहुंचे अक्षय प्रताप सिंह ने 30 नवम्बर को लखनऊ सम्मेलन के लिए लोगों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि आम जनता के स्वाभिमान व सम्मान के लिए राजा भैया नई पार्टी का गठन कर रहे हैं, किसी दल के साथ गठबंधन से उन्होंने साफ इनकार किया है। कौशाम्बी पहुंचे पूर्व सांसद अक्षय प्रताप का उनके समर्थकों ने स्वागत किया। स्वागत समारोह में सपा, भाजपा व कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने अपने समर्थकों को लखनऊ सम्मेलन में पहुंचने की भी अपील की है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है कि पार्टी बनाने का मकसद जनता के स्वाभिमान व सम्मान की रक्षा करना है। लेकिन दलों से रहे हैं, पहली बार निर्दल विधायक पूरे देश में सब समाज को लेकर 25 साल का कल पूरा किया। इसके उपलक्ष्य में एक कमेटी बनी है, सारे लोगों ने तय किया कि राजा भैया एक सम्मान समारोह करेंगे 25 साल के लिए। उन्होंने ऐतिहासिक रूप में शैलेंद्र भाई आयोजक हैं, विनोद सरोज जी अध्यक्ष हैं और तमाम उत्तर प्रदेश से लोग इसमें कमेटी में हैं। सारे लोगों ने मिलकर तय किया। क्या रणनीति रहेगी पार्टी बनाने, क्या मकसद है? देखिए, पार्टी 25 साल पूरे हो गए थे आदरणीय राजा भैया को राजनीति करते हुए। उन्होंने अपने समर्थकों से पूरे प्रदेश में रैली और 80% लोग। कौशाम्बी से करण सिंह की रिपोर्ट।